इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के बारे में आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। कभी कभी कुछ पेशेंट हमारे यहां ऐसे आते हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि उनको मानसिक बीमारी है, और वो मानसिक बीमारियां करके हमारे पास में आते हैं, मगर हमको ऐसा लगता है कि कुछ तो भी ब्रेन की बीमारी है, मतलब कोई एपिलेप्सी है या ट्यूमर है या और भी कुछ बीमारी है कि जिसकी वजह से भाई उसको ये मानसिक लक्षण दिख रहे हैं। तो इसलिए फिर हम उसका ईईजी करते, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो है वो क्या होता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ये जो है, ये इसके लिए हम पेशेंट को रिकमेंड करते कि भाई आपको ईईजी करने की ज़रूरत है। फिर पेशेंट हमारी ईईजी मशीन में, ईईजी रूम में जाता है, और ईईजी रूम में जाने के बाद में उसको फिर हम इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगाते हैं। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम क्या है ये? तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, हमारे ब्रेन में जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, न्यूरोनल सेल्स उसको बोलते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं, और इलेक्ट्रिकल जनरेट इम्पल्सेस जनरेट होने से उसका जो माहिती जो है, नॉलेज है, उसका आवागमन करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो है वो। तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ब्रेन की है उसका नोट डाउन करना, कहाँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ज़्यादा हो गई वो देखना, और वो हिसाब से फिर उसका उसको कैप्चर करना और उसको ग्राफ के रूप में देखना, ये इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का काम है। तो हम इसमें करते क्या है कि ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको पकड़ने का काम है मशीन करती है। हम पेशेंट को इसमें बिठाते हैं, पहले बिठा के उसको सब इलेक्ट्रोड लगाते हैं पूरे भेजे के ऊपर, ये आप देख सकते हैं पीछे, उसको इलेक्ट्रोड लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रोड पूरा लगाने के बाद में उसको आराम से सुलाते हैं ताकि जो इलेक्ट्रोड हमने लगाए हुए है वो ना गिरे, और वो पूरा लगाने के बाद में फिर मशीन के एडजस्टमेंट्स है। देखो अलग 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 मशीन के एडजस्टमेंट्स है, वो मशीन के एडजस्टमेंट, उसका नाम टाइप करना, फिर उसका एज वगैरह वो टाइप करके मशीन की बाकी एडजस्टमेंट करते हैं, और फिर मशीन चालू कर देते हैं। मशीन चालू करने के बाद में जो इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं, ये इलेक्ट्रोड्स जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है ब्रेन की वो कैप्चर करते हैं, और एक ग्राफ के रूप में हमें दिखाई देता है। तो ये ग्राफ ऐसा चलते रहता है, आगे 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 बढ़ता है, और जो पेपर है उसके ऊपर ऐसे रेशा 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 ऐसी आते जाती है, और ऐसे पूरा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैप्चर हो जाती है। फिर हम उसको फोटिक स्टिमुलेशन देते हैं, उसको मतलब आंखों के ऊपर ऐसा एक फोटिक स्टिमुलेशन, मतलब एक लाइट डालते हैं जो चमकते रहता है, ब्लिंक होते रहता है ऐसा, और वो लाइट डालने के बाद में फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कम होती, ज़्यादा होती, क्या होता वो भी हम देखते हैं। और उसके साथ साथ आँखें बंद करके, फिर अलग से आँखें बंद करके फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो क्या होती है, कम होती, ज़्यादा होती, वो देखते रहते हैं। यूजली क्या होता है कि अल्फा वेव्स रहती है ब्रेन में, बीटा रहती है, थीटा रहती है, और डेल्टा रहती है। तो आदमी जब रिलैक्स रहता है तो अल्फा वेव्स बहुत ज़्यादा दिखती रहती है, आदमी जब बहुत टेंशन में रहता है तो बीटा वेव्स जो है वो ज़्यादा दिखती है, सोने के कुछ समय पहले थीटा वेव्स दिखती है, और सोने के बाद में डेल्टा वेव्स दिखती है ब्रेन में। तो ये तो नॉर्मल वेव्स है, उसके बाद में फिर हमें पता लगता है कि भाई ब्रेन में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो गई और बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है इसमें, तो इसका मतलब उसमें एपिलेप्टिक एक्टिविटी हो रही है। हो सकता है कि उस समय उसको एपिलेप्सी आ गई, मतलब फिट आ गई, जब निकाल रहे हैं ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम मतलब ईईजी जब निकाल रहे, हो सकता है कि उस समय उसको फिट आ गई तो तुरंत दिखेगा, हो सकता है कि फिट उस समय नहीं आई, फिट कभी कभी पहले आई हुई है, या नॉन पेशेंट है एपिलेप्सी का, तो उसको स्पाइक एंड वेव डिस्चार्जेस दिखते हैं, मतलब ऐसा स्पाइक दिखता है और एक स्लो वेव दिखती है, ऐसा स्पाइक दिखता है और एक स्लो वेव दिखती है, कहीं कहीं थीटा और डेल्टा वेव दिखती है, तो उसमें मालूम पड़ता है कि यहाँ कुछ तो भी स्लो एक्टिविटी हुई है, यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम है, मतलब उसका जो पूरा ग्राफ जो निकलता है उसका इंटरप्रिटेशन बाद में हम करते हैं, और वो हिसाब से पेशेंट का डायग्नोसिस होता है। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम स्पेशली एपिलेप्सी के केस में, ब्रेन के ट्यूमर से उसमें, या और कोई डायग्नोस्टिक पर्पज है, मतलब ब्रेन में अंदर क्या चल रहा है जो सीटी स्कैन में नहीं दिख रहा है, एमआरआई में नहीं दिख रहा, मगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, मतलब फंक्शनल कुछ भी प्रॉब्लम ब्रेन में हो रहा है, तो वो भी ये ईईजी मशीन कैच करती है, पिकअप करती है और कैप्चर कर लेती है, और फिर बताती है कि ब्रेन में एक्टिविटी क्या चल रही है। तो बहुत ही अच्छा टूल है हमारे लिए भी, ये टूल ज़्यादा न्यूरोलॉजिस्ट वापरते हैं, मगर हम भी इसलिए वापरते हैं कि हमको डिफ्रेंशिएट जब करना होता है बिटवीन एपिलेप्सी एंड साइकेट्रिक इलनेस, तो उस समय भी हमको काम में आते रहता है। अभी तक इतना ही, आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो बहुत ही, आप शेयर कर सकते हैं, काफ़ी सारे लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थैंक यू वेरी मच।